ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज एक ऐसा सुअवसर आ रहा है जिसमें कि तीन मुहूर्त एक साथ हैं। माँ भगवती का वार है, पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा है और ऊपर से ग्रहण है। ऐसा सुयोग्य अवसर 130 साल पहले आया था और उसमें जिस किसी ने कोई भी उपाय किया हो, कोई भी ऐसा यंत्र सिद्ध किया हो, वो देखते ही देखते सिद्ध हो गया होगा। यदि आप चाहते हैं कोई भी अपना कोई मनोरथ है उसको पूरा करना चाहते हैं तो बस आज का जो ये अवसर है इसको जाने मत दीजिएगा। 8:40 से ये शुरू हो जाएगा और उसके बाद रात के 1 तक चलेगा। इसके बीच में आप कोई भी अनुष्ठान करते हैं, कोई भी यंत्र बनाते हैं तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं, उनके काम आज बहुत ज़्यादा हैं तो मैं आज उनके यंत्र बनाऊंगा सारे और वो सारे सिद्ध होंगे और जिस जिस के पास ये यंत्र होंगे वो मालामाल हो जाएगा। आज मैं खोलने वाला हूँ कुछ ऐसी दुकानें जो बंद पड़ी हैं, ऐसे बिजनेसेस जो चल ही नहीं रहे हैं। आज के दिन किया गया उपाय माँ भगवती को शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न कर देगा। तो आप घर बैठे क्या कर सकते हैं वो मैं छोटे छोटे उपाय आपको बता देता हूँ जो आप अपने घर में माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए कर सकते हैं। सबसे पहले आता है श्री सूक्तम। श्री सूक्तम का पाठ कीजिए। इस ग्रहण काल में सोइए नहीं, जितना अधिक हो सके श्री सूक्तम का पाठ कीजिए। खाना जो है वो आप 8 से पहले ही खा लीजिएगा क्योंकि ग्रहण काल में कुछ भी खाना वर्जित है। तो उससे पहले ही आप स्नान, खाना खाना हो या फिर कोई भी काम हो, सारा कुछ आप 8 से पहले पहले निपटा लीजिए। उसके बाद जब ग्रहण काल हो उसमें आप माँ भगवती का कोई भी मंत्र उठा लीजिए जो कि लक्ष्मी को आकर्षित करने वाला हो। अगर आपको ऐसा कोई मंत्र ना पता हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको वो सारे मंत्र दे दूँगा जो आप इस ग्रहण काल में जाप कर सकते हैं। यदि कुछ समझ में ना आए तो श्री सूक्त की ऋचाओं को पढ़ना शुरू कर दीजिए। इस काल में आप जिसको भी याद करेंगे, जिस भी देवता का स्मरण करेंगे वो आपके कुल में स्थापित हो जाएगा। यदि आप माँ भगवती को चाहते हैं कि आपके पास नाना प्रकार के ऐश्वर्य हों, नाना प्रकार के आपके पास बंगले हों, गाड़ियाँ हों, तो आप माँ भगवती को आज प्रसन्न कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो है वो है ग्रहण काल में आप यंत्र बना सकते हैं। कोई भी यंत्र हो उसमें आज मुहूर्त नहीं देखना पड़ेगा, इस समय से इस समय के बीच में आप कोई भी यंत्र बना सकते हैं और कोई भी मोहिनी मंत्र आज आप सिद्ध कर सकते हैं। तो मोहिनी मंत्र में से आप काला कलवा ले लीजिए। काला कलवा 64 वीर, मेरा कलवा भागा तीर, जहाँ को भेजू वहाँ को जावे, मास मुझे को छोके आवे, अपना मारा आप ही खावे, चलतवान मारू वहीं की छाती, इतना काम मेरा ना करे तो तुझे तेरी माँ का दूध हराम। ये जो मंत्र है इसको पहले सिद्ध कीजिएगा आज इस ग्रहण काल में, इसको सिद्ध कर लीजिए। यदि आप बहुत वर्षों से इसको प्रयोग कर रहे हैं और ये नहीं हो रहा तो आज इसको सिद्ध कर लीजिए। जितना अधिक आप जप करेंगे उतना ही अधिक ये स्ट्रांग होगा और उसके बाद सिर्फ एक बार किसी पर मार देने से अपना काम ये करके आएगा। दूसरा है ओम नमो त्रिजट लंबोदर वदवद, साथी का नाम, आकर्षाय आकर्षाय स्वाहा। इस मंत्र को आपने आज जितना अधिक हो सके 8 से 1 के बीच में जितना अधिक आप जपेंगे उतना अधिक ये पावरफुल हो जाएगा। और ऐसे मुहूर्त में जब आप ऐसे मंत्र करते हैं तो ये पलक झपकते ही काम करते हैं, आप सोच भी नहीं पाएंगे, आपकी सोच की गति से भी अधिक तीव्र होंगे ये। आपने पलक झपकी और सामने वाला आपसे वशीभूत हो गया। तो बहुत ही पावन अवसर आ रहा है, इसको ऐसे ही मत जाने दीजिएगा। और दूसरा एक आम की लकड़ी लीजिएगा, कपूर और जो बे लीव्स होती हैं वो ले लीजिएगा, हवन सामग्री, लौंग, इलायची, देसी घी गाय का, ओरिजिनल होना चाहिए,
ये सारा कुछ आप मिक्स कर लीजिए और इससे श्री शुक्त की ऋचाओं से आप हवन कीजिए। इससे जो राख निकलेगी उसको आप एक पोटली में बांध लीजिए और उस राख को रख दीजिए अपने मंदिर में। जब तक ये राख आपके पास रहेगी तब तक दारिद्रता आपसे कोसों दूर रहेगी। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि हवन कुंड में सबसे पहले एक सिक्का रख दें चांदी का और उसके ऊपर लकड़ियां जो है वो रखें, और हवन के बाद जब आग बुझ जाए, जैसे कि आज अगर आप करते हैं तो ये सुबह तक बुझ जाएगी, तो सुबह उस सिक्के को निकाल कर आप अपने किसी तिजोरी में रख दें, अपने किसी लॉकर में रख दें, या जिस भी दुकान में आप जाते हो वहाँ पर रख दें। तो उससे होगा ये कि माँ भगवती का आशीर्वाद उस सिक्के में आ जाएगा और वो जो है आपको रंग से राजा बना देगा। तो ये छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं। बाकी जो ग्रहण काल में जो उपाय करने, मतलब जो बने हुए हैं सिर्फ ग्रहण काल के लिए ही, वो है कि आपकी कोई नदी तट ढूंढें, नदी तट के पास जाएं और अपना जो आधा शरीर है वो पानी में डुबो दें, और जब तक ये ग्रहण हो उस काल में आपको ये मंत्र बोलना है। अगर आकर्षण चाहिए तो, यदि आप चाहते हैं कि जो कोई भी आपको देखे वो वशीभूत हो जाए, बस आपसे आकर्षित रहे, जहाँ पर भी आप जाएं आपकी वाहवाही हो, तो ये छोटा सा उपाय कीजिएगा। एक नदी तट ढूंढिएगा, उसमें आधा अपना शरीर जो है वो डुबोकर इस मंत्र का जाप कीजिएगा। ओम लकीम लकीम, जो भी साध्य है उसका नाम, आकर्षाय आकर्षाय स्वाहा। अब ऐसा करने से जो भी साध्य होगा वो आपके वश में होगा और इसके साथ साथ आपको एक आकर्षण की शक्ति भी मिलेगी। आप जहां पर भी जाएंगे लोग आपको टकटकी लगाए देखते रहेंगे। अगर ये मंत्र थोड़ा लंबा लगे, समझ में ना आ रहा हो, तो आप दूसरा मंत्र भी ले सकते हैं, क्लीम काम देवाय नमः। इस मंत्र को आप किसी नदी तट पर, किसी गुफा में, किसी एक ऐसे घर में जहाँ पर कि सालों से कोई रहता ना हो, वहाँ पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसके बाद जो है आपके पास एक ऐसी गुप्त आकर्षण की शक्ति होगी जो कि किसी को भी बिना किसी मंत्र के ही वशीभूत कर देगी। ये छोटे छोटे उपाय हैं, ये आज आप कर सकते हैं। और यदि कोई किसी तरह की विघ्न आ रही हो, कोई भी ऐसा आपसे ना हो पा रहा हो, तो आप कॉल कर सकते हैं 9992841625 पर, तो हम आपके लिए ये जितना कुछ है ये सारा कुछ हम आपको करके दे देंगे। और किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो तो व्हाट्सएप कीजिएगा 9992841625 पर। और आज के दिन जो गर्भवती महिलाएं हैं वो कुछ भी चाकू से ना काटें। इससे क्या होता है कि जो ग्रहण काल में जब हम कोई भी चीज़ काटते हैं तो उसका असर सीधा बच्चे पर पड़ता है, तो ग्रहण काल में कभी भी छुरी का इस्तेमाल ना करें। ग्रहण काल में सोए नहीं और जितना अधिक हो सके प्रभु भक्ति में, उनके भजनों में लगाएं। 1:08:40 से शुरू होगा और ये 1 बजे तक चलेगा, तो इसके बीच का जो समय है उसे सोने में ना गवाएं। आज सोइएगा नहीं, चाहे तो कोई भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, या फिर कोई भी गाने सुनिए जो कि प्रभु से रिलेटेड हो। कोई भी ऐसा कर्म कीजिएगा जो कि प्रभु को रिझाने के लिए हो, क्योंकि इस समय में किया गया जो भी कर्म कांड होगा वो आपके 100 साल के बराबर होगा। आज कीजिएगा तो इसका फल आपको अगले ही दिन मिल जाएगा। तो इसी कामना के साथ कि आप इस अवसर का सदुपयोग करेंगे, आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। धन्यवाद। We'll be right back.